हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले पेटीएम के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेटीएम में। यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 7.85% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे हुए 650.55 पे। क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वनडे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम हमें आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन देखने मिला। कैंडल भी एक मीडियम टू लार्ज साइज की बनी, नीचे की समय छोटी सी हमें विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 63-64 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा दे रहा है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में डाउनसाइड जो हमें इजीली 620 के आसपास देखने मिला, उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में डाउनसाइड जब वो 589 तक आपको आते हुए देखने मिल जाएगी। तो थोड़ा सा चीज को जरूर ध्यान में रखते हुए चले। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो स्टॉक कभी भी आपको 578 के आसपास जो है 580 के आसपास आते हुए देखने मिले तो जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको आते हुए देखने मिल जाएगा। इवन 5 डेज के अंदर भी आपको आते हुए देखने मिल जाएगा अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी तो करंट प्राइस में मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे। 475 के आसपास स्टॉक कभी भी है तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं तो आपको 100% अपना कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले वो पूरा ना डालें। 20-25% तक का आप जो यहाँ पे आप कैपिटल डालें, फिर कभी भी डाउनफॉल आपको देखने मिले तो आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग जो है 10-20% का जब डाउनफॉल देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस जो आपका कम होगा उतना ही जो यहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधा जाते हैं 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस बहुत सारे यहाँ पे मार्क्ड है तो यहाँ पे कुछ हमें जो है डिलीट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं रिमूव करूँ मैं चाहूंगा, अगर आपने मार्किंग्स ऑलरेडी की हुई है हमारे लास्ट टाइम के मार्किंग्स की तो जरूर जब यहाँ पे ये जो है सारे की सारे चेंजेस जो आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल डेटा में कुछ चेंजेस है इसकी वजह से यहाँ पे मैं जो है ये सारे के सारे जो है एडिशनल जो मार्किंग्स हैं वो डिलीट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं जरूर यहाँ पे रेकमेंड करूँगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर आप सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो यहाँ पे क्लोजिंग अब मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग, थोड़ा सा जूम कर ले ताकि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्लियर देखने मिले। तो क्लोजिंग की बात करें तो 650.75 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 640.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 654.90 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो
तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 642.70 का, उसके बाद क्या था 633.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 660.70 का, उसके बाद क्या था 672.20 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, यहाँ पे टेक्निकल वाइज जरूर जो एक पॉजिटिव हमें जो है देखने मिल सकता है, मूव 654 से लेकर 660 के रेंज में हमें क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। गैप अप ओपनिंग हुई तो और जो है ऊपर स्टॉक हमें आते हुए देखने में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि मंडे के दिन जो है अर्निंग जो है स्टॉक की जो रिलीज होने वाली, तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉलीटिलिटी जो बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको जो है मंडे के दिन कॉशियसली काम करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँ इंट्राडे में जरूर आप जो है स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं मंडे के दिन, क्योंकि अर्निंग्स रिलीज होती है वॉलीटिलिटी बहुत रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली काम करना। बाकी टेक्निकल वाइज जरूर हम जो है पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है मंडे के दिन। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।